द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे। तो ठीक, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न लेने से पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ऑप्शन को बनाएंगे प्रश्न के। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, आप लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे, हमने जो है पहले ही पढ़ रखा है तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ और प्रश्न भी इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा अन्यथा आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। समास तथा उपसर्ग का प्रयोग इसमें पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझने योग्य प्रश्न है। हड़बड़ाहट में या तेजी के साथ आप आंसर को करेंगे तो गलत कर देंगे। तो देखिए सबसे अच्छा प्रश्न इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे घात और प्रतिघात जो है इसमें समास और उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दें, आप लोग ऑप्शन शायद डी बनाना चाह रहे हैं लेकिन डी बिल्कुल नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपका प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे निर्भर में आत्म और ता जो लगा हुआ है ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि समास और उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, तो पहले ऑप्शन में घात प्रतिघात में हुआ है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न देखने से पहले ये पंक्ति जो लिखी गई है ये कविता है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आंसर को बनाएंगे हम लोग। ठीक, चलिए उम्मीद है कि पढ़ लिए हैं, अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरे प्रश्न में गिरे विचार से तात्पर्य क्या है ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आज का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए और प्रैक्टिस सेट रोजाना सॉल्व करिए। पढ़ाई जहाँ से भी कर रहे हो अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, चाहे जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप लोग हमारे चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक, तो चलिए दूसरे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरे बिचे विचार से तात्पर्य है कि सत्य और हित से परे जो विचार होते हैं यही से तात्पर्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपका यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। पंक्ति लिखी गई है, फूले काश सकल मही छाई जसु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो चलिए देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर श्लेष अलंकार होगा। बहुत अच्छे, कमेंट करके आप लोग फटाफट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और आप लोग का सबसे अच्छा मोटिवेशन हमारा है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे रस बताना है, ये पंक्ति लिखी गई है। ठीक, आप लोग इस पंक्ति को आराम से पढ़ेंगे तो इस पंक्ति को पढ़ेंगे और रस बताएंगे कौन सा होगा, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर वात्सल रस का ये उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पंक्ति में बात करते हैं रस की, तो यहाँ पे श्रृंगार रस की निष्पत्ति जो है हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को बताना है। जैसे रचयिता है, रचयिता तो सभी ऑप्शन में लिखा गया है लेकिन शुद्ध वाला रचयिता कौन सा है ये बताना है। चलिए किसी भी प्रकार से आप उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण अर्थ जो होगा वो रचयिता ही निकलेगा, लेकिन ऑप्शन शुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो आप लोग पकड़ ही लिए होंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, आप लोग उदास ना हो, जो भी ऑप्शन गलत होता है हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे, मिलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपके आंसर भी लगभग लगभग सेम या सही होते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है, स्पर्श है, अंतस्थ है, वतर्स्य है या फिर ऊष्म है। छठे का बताना है आप लोग को। तो बात करते हैं यहाँ पे
कि संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियों की, तो यहाँ पे ये व्यंजन या ध्वनि जो होते हैं वो उस ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये आपका वड़ा सा होता है, खष्टी सा होता है और छोटा सा होता है और हा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उस व्यंजन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में इजी प्रश्न है, आग का तत्सम बताना है। तो आग का तत्सम तो सभी को मालूम है, तो सी अग्नि सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पाश्चात्य का विपरीत शब्द बताना है। विपरीत शब्द कौन सा है पाश्चात्य का? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पौर्वार्थ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका विपरीत यही होता है। ठीक, यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चलिए देखिए, यहाँ पे नहीं बताना है, तीन तो हैं एक नहीं है, ये बताना है। 8-9 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं अनुपम के पर्यायवाची की। तो अनुपम का पर्यायवाची अतुल होता है, अपूर्व होता है और अनोखा भी होता है। बट यहाँ पे अनिल शब्द जो लिखा गया है, ये अनिल शब्द अनुपम का पर्यायवाची ना होकर के ये किसकी पर्यायवाची है? ये वायु की पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वायु। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ये भी इजी प्रश्न है। धातु के साथ जो प्रत्यय लगाई जाती है उसी को जो है कृदंत प्रत्यय के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप धातु राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये भी जी है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इजी प्रश्नों को थोड़ा तेजी के साथ हम लोग कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? 12वें में बताना है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, वाहनारूढ़ शब्द जो लिखा गया है यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा ए। नेक्स्ट है, किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, प्रत्यय के विषय में पूछा गया है और एक शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय का शब्द लगा है। 13वें में देखिए, सागर है, नगर है, अगर है और जादूगर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा मिल गया, जादू में गर जोड़ दिया गया, यानी पीछे लग मूल शब्द या धातु शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसी को प्रत्यय कहा जाता है, और मूल शब्द या धातु शब्द के आगे लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रत्यय गर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट, पित्राज्ञा। वैसे यहाँ पे बात करते हैं तो ये यण संधि का जो है आपका उदाहरण देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पित्र और आज्ञा से मिलकर बना है पित्राज्ञा। अगर बात करते हैं संधि कौन सी है, तो यहाँ पे यण संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको क्या कहते हैं? जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उस शब्द को कौन सा समास कहा जाता है? 15वां नंबर का प्रश्न है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे देखिए आप लोग कह सकते हैं इसमें एक दूसरे के विपरीत शब्द भी हो सकते हैं, और द्वंद्वात्मक जैसे कह सकते हैं द्वंद्वात्मक प्रतीत शब्द भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अपने आप दोनों जो है शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है, सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या होता है? 16वें प्रश्न में बताना है, सिर फिर जाना का अभिप्राय जो होता है वो अहंकारी हो जाना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा अहंकारी हो जाना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, अहंकारी हो जाना सही होगा। इसी के साथ 17वें पे चलते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ये अच्छा प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमने जो है हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, मैंने उनको पहले ही बता रखा है कि आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप लोग नोट करते चलें। ठीक, चलिए तो बताइए आप लोग फटाफट, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, या फिर मगधी से, या फिर सौसैनी अपभ्रंश से? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 17वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं
की हिंदी की उत्पत्ति की, तो वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। सबसे पहले भाषा वैदिक संस्कृति, उसके बाद लौकिक संस्कृति, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश से ही जो है हमारी सौर सैनी अपभ्रंश निकली है, जिसकी जो है उत्पत्ति हिंदी की हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को क्रम से, सही क्रम से रखना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये देखना है। चलिए देखते हैं, फटाफट ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन का उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा सही है। 18वें की बात करते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें संतान, सकल, सक्षम और सचल, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को गलत समझ लेना का आशय क्या होता है? संदेह होगा, संशय होगा, भ्रांति होगा या फिर अज्ञान होगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग को आज इस प्रश्न के माध्यम से थोड़ा कंठस्थ कराया जाएगा। किसी वस्तु को गलत समझ लेने का तात्पर्य यह है कि वह वस्तु आप, उस चीज में आप जो है भ्रांति हो गई है, आपकी भ्रांति हो गई है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और संदेह का तात्पर्य यह होता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, उसको आपका संदेह है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन भ्रांति कहाँ, जहाँ पे होती है, आप किसी भी वस्तु को अगर भ्रांति हो गई है आप में, तो आप उसको वैसे ही, यानी गलत है तो गलत समझ ही लेते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, भ्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में है, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? बहुत अच्छे प्रश्न है। मरने की इच्छा की बात की गई है, तो मरने की इच्छा जो होती है उसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग होगा वो मुमूर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोग को एक प्रश्न और बता दें, इसी से मिला जुला प्रश्न होता है, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमूर्ष। मुमूर्ष कहते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो है, लेकिन यहाँ पे मरने की इच्छा की गई है तो यहाँ पे मुमूर्षा सही हो जाएगा। और ये मुमूर्ष जो लिखा गया है इसका तात्पर्य है कि जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द अगर पूछता है तो मुमूर्ष होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये संस्कृत का यहाँ से प्रश्न, माफ कीजिए, संस्कृत का कह रहे हैं, इंग्लिश का पोर्शन यहाँ से शुरू होता है और ये पैराग्राफ आपका लिखा गया है। इस पैराग्राफ को आराम से पढ़ेंगे और ऑप्शन, प्रश्न के ऑप्शन को बनाएंगे। चलिए, 21 नंबर का प्रश्न भी सात स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न, और आप लोग का कोई भी पोर्शन अगर कमज़ोर है तो उस पोर्शन को आप लोग अच्छे से तैयारी के साथ प्रैक्टिस सेट को करिए, जिससे कि आपका आंसर गलत ना होने पाए। तो चलिए 21 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोंक होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में यहाँ पर आपका पोएम लिखी गई है, ये पोएम को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे होंगे वीडियो को आराम से रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ, और 22 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही है? तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ 23 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं, और 23 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी जो है यहाँ पे दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो सही होते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें दोनों दिया गया है, बॉथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 नंबर के प्रश्नों पर। 24 नंबर का प्रश्न में देखिए, स्पेस जो लिखा गया है यहाँ पर, कौन सा शब्द भरा जाएगा, सहायक क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया यहाँ पे भरी जाएगी? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे हेड भरा जाएगा। ठीक, चलिए, जैसे कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न में भी खाली स्पेस है और इसको जो है पूरा करना है, जैसे कि यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी फास्ट भरा जाएगा। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो नीचे जो सेंटेंस यानी वाक्य लिखा गया है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, तो इसमें कौन सा सही होगा। नेक्स्ट 26 नंबर का ऑप्शन बताना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे वर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सफिक्स के रूप में आपको जोड़ना है जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे स्पून लिखा गया है, माउथ लिखा गया है, तो इसमें कौन सा सफिक्स जुड़ेगा। 27 नंबर का देखिए, जो पीछे शब्द के मेन वर्ब के या शब्द के जो पीछे शब्द जोड़ते हैं उनको सफिक्स कहते हैं, और जो पहले शब्द जुड़ जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं, वही है यहाँ इंग्लिश पर दिया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे स्मूथ में फुल जोड़ देंगे तो स्पून फुल हो जाएगा, और माउथ में भी फुल जोड़ देंगे तो माउथ फुल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग फ्रेज। तो इस यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, यहाँ पे देखिए फूड द बिल, इसका सही मीनिंग कौन सा होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टू पे। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि वन ऑफ दीज इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, वो कौन सा है जिसको मेल और फीमेल दोनों में यूज किया जाता है, वो शब्द बताना है। जैसे पेरेंट्स, मदर, फादर, एक्टर। देखिए एक्टर मतलब होता है जो है अभिनेता होता है, फादर मतलब पिता होता है, मदर मतलब माता होता है, तो ये सब अलग अलग, जैसे मदर मतलब माता स्त्री हो गया, फादर पिता, एक्टर जो है अभिनेता पुरुष, ये सभी आ गए। बट यहाँ पे देखिए पेरेंट्स जो लिखा गया है इसमें माता और पिता दोनों आ जाएंगे, मतलब कि मेल और फीमेल जो है दोनों इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के पास साथ जो है 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में आपको यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो शब्द किया गया है, ये अंडरलाइन शब्द में कौन सा ये शब्द है, डिटरमाइनर है, डिटरमिनर है, या फिर एडवर्ब है, नाउन है, या फिर प्रोनाउन है। ये 30 नंबर के प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ये हिज जो लिखा गया है, अंडरलाइन किया गया है, ये आपका प्रोनाउन है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये संस्कृत के प्रश्न अब यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। संस्कृत के आप लोग के द्वारा जो कहा गया था कि सर इसके ऑप्शन को ही बता दिया करें, तो इसके ऑप्शन को फटाफट आप लोग मिलान करते चलिए, हम इसके ऑप्शन को बता रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है 31 नंबर का प्रश्न नंबर, उसमें सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं ये बताना है, इसमें जो प्रत्याहारों की संख्या है वो आपका 34 है, 34 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश लिखा गया है संस्कृत का, और इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे 33 नंबर के प्रश्न आपको दिख रहा होगा उसका ऑप्शन बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 200 या 200 कह सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न में बताना है, तो 34 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर में, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ जो है 36 नंबर के प्रश्न पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे तट्टिका का संधि विच्छेद, ये तो ये प्रश्न है, आप लोग संधि विच्छेद हिंदी में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर के प्रश्न में, यहाँ पे शब्दों में संख्या जो है, शब्दों में किसी संख्या को लिखा गया है उसको अंकों में आपको बताना है, तो 37 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पे 502 इसका संख्या का वाचक होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों के को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया जाता है, वर्णों की बात किया गया है वो भी व्यंजन, तो अच अच को जो कहते हैं वो स्वर कहते हैं, और हल को क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न में, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। चलिए मिलान कर लीजिएगा आप लोग, द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पे समझाना था आपको जो कि ऊपर दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, और ये जो है यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, इस श्लोक को आप लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है।
वीडियो को रोककर या वैसे ही पढ़िए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न भी दिख रहा है, बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 40 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाक यहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक वस्तु को, अच्छा यहाँ से साइंस का प्रश्न यानी विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुँचती है, तो जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। चलिए अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे बात करते हैं समय की। देखिए यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे टी जो है दिया गया है, टी बराबर 1 सेकंड दिया गया है, वहीं पे प्रारंभिक वेग जो यू होता है वो 0 दिया गया है, और भी जो है मीटर प्रति सेकंड में जो दिया गया है वो ज्ञात करना है आपको। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है यू प्लस जी और टी। तो आप लोग इसको रखकर निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए जो है इसका मान रखेंगे भी बराबर यू का मान 0 हो जाएगा, वहीं पे जी का मान जो होता है वो 9.8 होता है, प्लस सॉरी माफ कीजिए उसके बाद टी का मान 1 दिया गया है। तो इसको जब निकालना होगा तो हम लोग भी बराबर क्या निकालेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में इसको देख रहे हैं हम लोग, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर में, तो चश्मे बनाने के देखिए कांच जो है आप जितने भी प्रकार से होते हैं कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चश्मे बनाने के लिए जो कांच का प्रयोग होता है उसको क्रूस कांच के नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। 43 का, तो उसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं जो कि वायुदाब मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मैलाकाइट एक जो है किसका खनिज या किसका अयस्क है। तो मैलाकाइट जो खनिज या अयस्क है वो कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाइड्रोजन पराक्साइड का साधारण नाम क्या है। बोरेक्स है, ब्लीच है या जिसको तरल कहते हैं, या फिर बेकिंग सोडा या फिर जिप्सम। अच्छा, आप लोग को एक बात और बता देते हैं, आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे आपके अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग से यही उम्मीद हमारी रहती है कि वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, बाकी और हम आप लोग से कुछ मांगते तो हैं नहीं, तो चलिए फटाफट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, 45 नंबर का बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्लीच जो है ये बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोजन पराक्साइड का साधारण नाम ब्लीच होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, और इसका फार्मूला जो होता है H2O2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, धोने का सोडा क्या है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम बताना है, धोने सोडे का या धोने के सोडे के। तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला Na2CO3 और प्लस में या इसके साथ जो है 10H2O लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे Na2CO3 इसको आप अच्छे से याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। 47 का ऑप्शन आपको बताना है, और आप लोग कमेंट करके अपने उत्तर को नहीं लिख रहे हैं, कंजूसी बहुत कर रहे हैं। चलिए फटाफट ऑप्शन बताइए, इसी का ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, 47 नंबर का। तो महाधमनी जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी यौ मुख्य धमनी के रूप में जानी जाती है। और बात करते हैं इसकी पाई कहाँ जाती है, तो ये हृदय के बाएं नीले से प्रारंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर में जो है ऑक्सीजन के संचरण का वाहन करती है उसको कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सी सही ऑप्शन सही हो जाएगा, महाधमनी बिल्कुल राइट आंसर पहला ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है, कौन सा
विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर से संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में एकत्रित होता है वो है विटामिन ए और विटामिन डी, और ये इसका जब ये अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब बात चली है विटामिन्स की, तो विटामिन्स का जो है सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया है वो कौन है, तो इनका नाम है सी फंग, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? अच्छा, इबोला की बात आई है तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, और ये किस प्रकार का वायरस है? इसमें जो है सर में दर्द बना रहता है, टाइफाइड जैसे नामक बुखार भी आ जाते हैं, तो ये सब कारण इसके लक्षण हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। सही बात है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, पहला ही सही है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। चलिए, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, चलिए बताइए फटाफट। अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम हमेशा बताते आए हैं, डेरिवेशन किताब भी बताते हैं, तो आप लोग बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्रों की संख्या इनकी बात करते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, लेकिन कुल अगर कभी कभी 23 जोड़े न देकर के कुल देता है तो 23 दूना 46 हो जाता है। तो यहाँ पे 46 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बात करते हैं हम के, तो यहाँ पे 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े नर और मादा में जो हैं ये बिल्कुल समान होते, समान गुणसूत्र के होते हैं। वहीं पे 23वां गुणसूत्र जो होता है वो नर और मादा का अलग अलग होता है। बात करते हैं नर की, तो नर की यक्ष और वायु होता है और मादा की यक्ष यक्ष होता है। ठीक, ये गुणसूत्र अलग होते हैं, इसी के कारण जो है आपका लिंग निर्धारण होता है। ठीक, चलिए आप लोग को एक अतिरिक्त जानकारी इसके साथ मिल गई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ से मैथ का प्रश्न जो है स्टार्ट हो जाता है, आप लोग इसको स्किप कर देंगे, ये सब सारे ये प्रश्न हैं। हमारे साथ अगर आप लोग जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सर के द्वारा इसको टॉपिक वाइज जो है क्लास पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग खुद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को जो है सर्च करके फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपका ये सारा PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान लें कि ऐसा करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो पुराने हैं उनको तो मालूम ही है। ठीक, PDF कहाँ से इसका प्राप्त होता है? हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश से PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे सर के द्वारा ये जो है डिटेल में ये क्लासें चल रही हैं, आप लोग उसको वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 72 नंबर तक गणित का प्रश्न था, 73 प्रश्न के नंबर को लेते हैं, तो चलिए देखते हैं इस पर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम जो है वो रही है, ये बताना है। चलिए, भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोजन बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम जो है भोजन है। नेक्स्ट है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप लोग को एक अतिरिक्त जानकारी बता दें कि आप लोग दिवस को, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं इसको अतिरिक्त याद कर लीजिए, और जितने भी पुरुष महापुरुष हैं उनकी जयंती कब पड़ती है ये अतिरिक्त याद कर लें। जैसे यही देख लीजिए, विश्व हाथ धुलाई दिवस, ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है, बैसाखी पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? 75 नंबर का प्रश्न है, बैसाखी पर्व जो मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो है पंजाब तथा हरियाणा में मनाया जाता है, वैसे मुख्य रूप से इसको पंजाब में ही दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न में है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। चलिए देखें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है,
गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। वैसे बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन में देखिए ब्रह्मपुत्र दिया गया है, लेकिन ये भारत में जो है नहीं होती है, बाहर से आकर के भारत में आती है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं, बात करते हैं गंगा की। तो गंगा जो है सबसे बड़ी, भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई टोटल जो है 2525 किलोमीटर अपने भारत में ये चलती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बात करते हैं कि बाहर से आई हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये गंगा के साथ मिलकर दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ पे है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है एक ही समय पर अपनाया गया था, दोनों एक ही दिन अपनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, तो इसके रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका स्लोगन क्या है, जन गण मन जो है इसका स्लोगन है। ठीक, भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है। तो जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिला पंचायत की, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थान पर जिला पंचायत को रखा गया है। ठीक, और इसी में आपका ग्राम पंचायत भी आ जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, मुख्य विकास अधिकारी जो होता है यही जिला पंचायत का सचिव होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पर्यावरण में गंभीर होती प्लास्टिक समस्या के निवारण हेतु कौन से उपाय आप सुझाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जूट के बने थैले का बढ़ावा या उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समाज को प्लास्टिक के खतरे से जागरूक कर भी ऐसा किया जा सकता है। तो आप डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टॉय ट्रेन चलाई जाती है, तो ये कहाँ पे चलाई जाती है, तो देखिए जहाँ पे जो है सबसे कंजेस्ट या अनकम्फर्टेबल जोन होते हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, या अच्छा मैदानी क्षेत्र नहीं, पर्वतीय क्षेत्र भी हो तो मैदानी क्षेत्र तो आराम से आ जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और इसमें जो है कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल गलत। अच्छा ये सही है लेकिन यहाँ पे नहीं बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जो है पहला ही सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कहा रहा है कि एक पर्यायवाची जो है होते हैं, और यहाँ पे होते नहीं है ये, तो यहाँ पे नहीं पूछा भी गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है पहला सही होगा। आप लोग उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द से क्या आशय है। ये प्रकृति जो है इससे क्या आशय है ये बताना है 82 नंबर में। तो यहाँ पे प्रकृति जो है ये जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं इसी से इसका अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो वो पद्धति कौन सी हो जाएगी, तो पद्धति है आपका पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करते रहना ही इसमें सबसे प्रभावी पद्धति होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 84 प्रश्न नंबर है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तावना सोपान यानी पाठ का प्रस्तावना जो होता है उसकी सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम, या फिर सहचर्य का नियम। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है इसमें तत्परता का नियम है, जितने आप तत्पर होंगे उतनी तेजी के साथ आप सीखेंगे किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, तत्परता का नियम यहाँ पे लागू होता है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो
ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, गौण नियम 5 दिए थे, जिसमें प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम ये सभी हैं, एक जो है अलग से नियम है तीसरा नियम, और ये नीचे दो दिए गए सादृश्यता साचर, ये गौण नियम के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा उसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है आपका, उसमें पूछा गया है कि सही युग्म कौन सा नहीं है। तो एक गलत है जिसका युग्म नहीं सही है, 85 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए, सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें कहाँ पर है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों जैसे कि वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफका के द्वारा ये सब जो है दिया गया है, लेकिन हल इसमें नहीं होंगे। तो ये ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जान लीजिए, सीखने का जो समग्र सिद्धांत या जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, ना कि हल के द्वारा। ठीक, चलिए डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ये इसका मिलान सही नहीं है, बाकी सभी मिलान सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? तो शिक्षण जो है, एक शिक्षक के अनुसार जो है वो क्या है, वो आपका ए और बी, माफ कीजिए, एक कला है और एक कौशल है। ठीक, कला और कौशल दोनों हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में है, अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली प्रतिभाशीलता का संयोजन क्या होता है? तो यहाँ पे उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च स्मरण शक्ति जो होती है, यही प्रतिभाशील विकास का संयोजन होता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? चलिए थोड़ा तेजी के साथ हम लोग चलेंगे अब। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? तो प्रश्नावली विधि का दोष कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए और फटाफट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी, इस विधि से जो है अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रेन लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न है, ब्रेन लिपि का प्रयोग जो होता है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है जो कि देख नहीं सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में किस वर्ष यानी किस संस्था के एक इकाई के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे इसका जो इकाई है वो SEERT लखनऊ में स्थित है और ये इसी के रूप में काम करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में यह एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जिसको SEERT उत्तर प्रदेश लखनऊ ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालय किसके अधीन कार्य करता है? यहाँ पे स्थानीय स्तर की बात किया गया है। तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो प्राथमिक विद्यालय कार्य करते हैं वो किसके अधीन कार्य करता है? तो वो ग्राम पंचायत के अधीन काम करता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विद्यालय किस आधारित जो है आकलन क्या होते हैं? तो विद्यालय आधारित आकलन जो होते हैं वो ये होते हैं कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थी या शिक्षार्थी की मदद करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मिलान करते चलिए आप लोग फटाफट और आंसर भी फटाफट बनाते चलिए। एक शिक्षक जो है किसके अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदार बना सकता है?
यहाँ एक है जो सही नहीं है, बाकी सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। जो जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करें, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं तो उस समय आपके लिए सबसे उत्तम या महत्वपूर्ण क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न के अनुसार आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उसको कुंठा के रूप में जाना जाता है या कुंठा कहलाता है। और ये जो है मैकडोगल ने 14 संवेगों इसी के अंतर्गत बताए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है या प्रोत्साहन के रूप में क्या कर सकती है, ये बताना है। 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उसे मदद देकर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका अच्छा, ये एक मिनट, ये यहाँ पे 98 के बाद, हाँ यहाँ पे 98 के बाद 99 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका जो है कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अग्र सक्रिय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, संघनन सिद्धांत किससे जो है संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से ये संबंध रखता है। तो ये जो संघनन सिद्धांत है ये स्मृति से यानी याददाश्त से संबंध रखता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, BS4 वाहनों की बिक्री कब से प्रतिबंध होगी? देखिए जो पुराने वाहन हैं BS4 इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इनकी बिक्री कब से रोक दी जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया। 130 प्रश्न तक हम लोग करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये समाप्त होकर BS6 के मापदंड वाले वाहन अब बेचे जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2018 में पारित कर दिया गया है, यह संशोधन विधेयक कौन सा था? तो ये 2 अगस्त 2018 को जो लोकसभा में तथा 6 अगस्त 2018 को राज्यसभा में पारित किया गया, ये 123वां संविधान संशोधन रहा, माफ कीजिए 123वां संशोधन विधेयक रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विचार करना है, दो ऑप्शन आपके जो वाक्य लिखे गए हैं यहाँ पे देखिए, आप लोग इसको पढ़िए और ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ना तो पहला और ना तो एक और ना ही दो सही होगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में मक्के का समर्थन मूल्य कितना कर दिया गया है? अच्छा, यहाँ पे 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1700 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से यहाँ पर मक्के का जो है समर्थन मूल्य कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और समय कौन सा है? 2018-19 का ये समय रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में अस्त्र में नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो यह मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो इस मिसाइल जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की अनिवार्यता पर फैसला दिया गया है, तो जिससे संबंधित निम्नलिखित तथ्य का अवलोकन करना है। तो यहाँ पे चार है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे चारों सेंटेंस को, उसके बाद जो है ऑप्शन के रूप में हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे केवल चौथा सही है। जैसे कि CBSE, NEET, नीट, योम, UGC के छात्रों को परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। ठीक, बाकी और किसी परीक्षा में आवश्यकता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में शीर्ष स्थान कौन सा देश
पर रहा। तो पहला स्थान इसका न्यूजीलैंड का है जो कि रहा है। ठीक, पहले स्थान पे आपका न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पे आपका सिंगापुर, तीसरे स्थान पे डेनमार्क, उसके बाद जो है आपका हांगकांग चौथे स्थान पर रहा है। ये पहला स्थान इसका रहा। ठीक, तो इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने राजमार्गों के सुधार के लिए ADB के साथ $346 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक राज्य ने ऐसा किया है। सितंबर 2018 एशियाई डेवलपमेंट ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत ऐसा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अभ्यास एविया इंद्र 2018 संपन्न हो गया है? तो यह है आपका भारत और रूस के मध्य, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने की बहु प्रतीक्षित आयुष्मान योजना से संबंधित तथ्य के बारे में विचार करना है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके जो है सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसको पढ़िए और विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा, तो पहला यहाँ पे सही होगा, पहला दूसरा तीसरा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, ये तीनों सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो नासिक में किया गया है, ये महाराष्ट्र का है, स्थान है, एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को वर्ष 2018 का प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है? 112 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा का केंद्र रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान दीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इस किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया है? तो ये जो किया गया है, अगर बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 143वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर इनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर की ऊंचाई है, जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में खेले गए वेस्ट इंडीज वनडे श्रृंखला में किस भारतीय खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सी ऑप्शन, विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु जिसको विक्रय एवं नियंत्रण वितरण नियंत्रण विनियम के तहत प्रथम संविधान संशोधन आदेश 2018 से संबंधित तथ्य पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे तीन जो है आपको वाक्य लिखे गए हैं, इसको आप पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन का सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा तीसरा सभी सही है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न में है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? 116 का बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा भी सही हो जाएगा, लुका मॉड्रिक को ये चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ईच ऑफ लिविंग सूची में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश भारत का ये ईज ऑफ डूइंग लिविंग में सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, और उसके बाद चीन ताइपे के बाद 8वां स्थान भारत का रहा है, ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो चीन रहा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कब प्रस्तावित है? तो ये जो प्रस्तावित है वो 1 से 7 अक्टूबर 2018 में ये प्रस्तावित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू की है? देखिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना किसके तहत शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक यानी सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करते हैं काबुलीवाला, तो इसकी यह कहानी जो है काबुलीवाले और छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी के आसपास घूमती है, और काबुल वाला एक पठान है, इसमें ये सभी संबंधित परिवार से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से ये किताब में लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी से संबंधित अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है, ये भी जी प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरा जो है परंपरागत खेल है जिसमें बैलों को काबू किया जाता है, और प्रतिवर्ष यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे जल्लीकट्टू का नाम पोंगल है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी जी प्रश्न है। तो गिद्धा पंजाब का है, और यहाँ पर भांगड़ा भी है, बैसाखी भी है, ये सभी पंजाब के जो है वो है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस वाद्य यंत्र का प्रकार है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे सुरबहार की बात किया गया है, सी ऑप्शन तंतुवाद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला, अमर्त्यसेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो अमर्त्यसेन को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था ये अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रोल इन शब्द किससे संबंधित है, ये भी जी प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है, ये खेल से संबंधित प्रश्न है, तो ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। रोल इन हॉकी से जुड़ा जो है खेल से जुड़ा, हॉकी खेल से जुड़ा शब्द है, और ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, एक मिनट, सी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, हॉकी से बता रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो हॉकी से ऑप्शन डी पे लगा रहे हैं, बता रहे हैं हॉकी, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय जो है स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है वो देवलाली में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज़ाद हिंद फौज एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए, तारीख है उसके बाद 1943 में स्थापित किया गया था। तो ये आपके आज़ाद हिंद फौज सभी लोग को मालूम है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था, और ये कब, 21 अक्टूबर को किया गया था। ठीक, 21 अक्टूबर को किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी ऑप्शन सिंगापुर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंगापुर यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने जो है लिखी है, तो ये जो लिखा गया है इंडियन होम रूल पुस्तक ये लिखी गई है आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और यह पुस्तक 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला ही एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, बट खाद्य आपूर्ति जो है गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न ये है, आप यहाँ से पांच प्रश्न रीजनिंग के देखेंगे, उसके बाद पांच प्रश्न हम लोग कंप्यूटर के देखेंगे, तो इसको फटाफट हम लोग बताते हैं ऑप्शन को, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और हमारे साथ आंसर को मिलान कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 131 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पहले वाले में गुणा एक फिर धन एक करना है, दूसरे वाले में गुणा दो फिर धन दो करना है, तीसरे वाले में गुणा तीन फिर धन तीन करना है, उसके बाद चौथे वाले में जो है, एक मिनट, चौथे वाले में गुणा चार करना है, फिर धन चार करना है, पांचवे वाले में आगे जब बढ़ेंगे आप लोग फिर गुणे पाँच करना है, फिर धन पाँच कर देना है, आपका ऑप्शन मिल जाएगा 565। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नवंबर 1992 को कौन सा दिन मनाया गया होगा या कौन सा दिन होगा, चलिए ये कैलेंडर का प्रश्न है, तो आप लोग इसको निकालिएगा, ये ऑप्शन हम बता दे रहे हैं इसके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मंगलवार आपका सही हो जाएगा, एक मिनट, मंगलवार नहीं आएगा, यहाँ पे रविवार आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, चार से तीन से चार के मध्य घड़ी की सुइयां, दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, इसका 3:16 मिनट पर एक दूसरे के ऊपर जो है घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम हरा रंग ऊपर हो तो, यदि हरा रंग ऊपर हो तो नीचे कौन सा रंग होगा? जैसे देखिए यहाँ पे लाल है, एक मिनट क्या हो रहा है, ये पासा का प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाल है तो लाल के साथ लाल कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे पीला है, पीले के साथ पीला कर दीजिए, तो हरा के साथ क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 34 नंबर में, तो बी ऑप्शन काला सही हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट पूछा गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा, काला। अगला प्रश्न है, एक आदमी, अच्छा ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 45 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी, ठीक, वर्तमान में जो उम्र पूछी गई थी 45 वर्ष होगा, इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर का प्रश्न है, ब्लॉक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो ब्लॉक से हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं? तो यह विचार और समस्याओं का समाधान के लिए उपयोगी साइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, जैसे जो ब्लॉगिंग लिखी जाती है साइटों पे, वही इसमें पूछा गया था। अगला है, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा कौन सा होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वेब कैमरा उसको कहते हैं, सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण के स्तर कितने हैं, 3 स्तर होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगर बात करते हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले स्मृति स्तर यानी याददाश्त की, याद करने की स्मृति है, दूसरा है बोध स्तर है, बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, ठीक, ये तीनों स्तर जो हैं शिक्षण के स्तर होते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तरी विधि का अन्य नाम क्या है? तो प्रश्नोत्तरी विधि का अन्य नाम जो है वो सुकराती विधि है, ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए ए जो है इसका सही हो जाएगा। बोलना लगा कहाँ रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं, ऐसे ही निकल जा रहा है। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं गलत ना होने पाए, गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत फटाफट बता दीजिएगा। चलिए 40 नंबर के प्रश्न को लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक DWLNG हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इनका नाम जो है DWLN या रॉबर्ट एन ब्रुक्स के शिष्य ये हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे इनका पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलू पाठक है, एक मिनट, बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, अच्छा हाँ ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं। एक अति लोलू पाठक हैं, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है या नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। तो उसे जो है किसके रूप में सबसे अधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन यहाँ भी आपके स्क्रीन पर ही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है तो ऐसा कर रहा है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यदि आप भी आंतरिक रूप से अपने प्रेरित होंगे तो आपको किसी के कहने या पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद अपने आप से सारा काम अपने समय से यथासंभव कर सकते हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रबल के प्रकार, प्रबलन के प्रकार हैं ये बताना है। 142 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों है, जैसे कि प्राथमिक व गौण, धनात्मक एवं ऋणात्मक जो है, ये सभी ऑप्शन जो है प्रबलन के प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन शेष से भिन्न है, कौन अलग है इसमें? तो इसमें जो सबसे अलग है वो सी, ड्राइव रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये क्षेत्र सिद्धांत होते हैं, ये गेस्टाल्टवादी होते हैं, और इन्हीं को अंतर्दृष्टि और सोच का सिद्धांत भी कहा जाता है, इन्हीं को समग्र सिद्धांत का भी नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सारे जो है गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबंध प्रश्न पूछता है, यानी विषय से असंबंध प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे उस समय?
तो वहाँ पे उस समय जो एक शिक्षक के रूप में अगर आप कार्यभार संभाल रहे हैं तो आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सबसे उत्तम उचित वर्णन करता है। चलिए देखिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है, 46 नंबर का, 146 का। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्रश्न जो है वो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना ही इसका सबसे उचित वर्णन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार करना पक्ष में आता है, यानी कि किसके पक्ष में आता है। तो व्यवहार करना, व्यवहार का करना जो है, ये जो पक्ष है ये आपका सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये शब्द जो कॉग्निटिव लिखा गया है ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएँ, भूमिका निर्वाह आदि, तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। 147 का ऑप्शन आप लोग बताएं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम जो होता है यही सीखने के आयाम को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो है किस प्रकार से होता है, बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, या फिर समान रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा जब भी होता है तब बच्चे उसमें सबसे अच्छा या बेहतर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगले प्रश्न को, और इसमें पूछा गया कि कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो यहाँ पे व्यावसायिक है, अनुभाविक है, या फिर भावात्मक है, आध्यात्मिक है। तो सीखने का क्षेत्र की बात किया गया है, तो सीखने के क्षेत्र में आपको हम बताते हैं कि सबसे अच्छा जो माना जाता है वो भावात्मक जो है सबसे सही माना जाता है। जैसे कि अधिगम जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अनुभव प्राप्त करता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस सी ऑप्शन सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के उत्तर को जरूर बताएंगे, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी राय जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ वीडियो को भी शेयर करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।